लाओ लाओ सिए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज के व्लॉग में आपको आने वाला है बहुत सारा मजा, बहुत सारा आनंद। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी पहाड़ों की संस्कृति पे आधारित जो भी रामलीलाएं, ड्रामाएं या फिर पहाड़ों नृत्य होते हैं, तो उसमें कौन सी टोन चलती है, कौन सी धुन चलती है, बिल्कुल यूनिक वाली है। अगर मैं आज आपको सुनाऊंगा तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। जो देसी रामलीला होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उसकी जो लयकारी है पहाड़ों की लयकारी से बिल्कुल अलग है, पहाड़ की एकदम यूनिक है। तो आज मैं आपको रामलीला के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। रामलीला शुरू से लेके अंत तक जहां तक मुझे याद है वो आपको सुनाऊंगा। बीच में कुछ गलतियां हों तो माफ कर लेना, क्योंकि मैं आज काफी सालों बाद ये चीजें प्ले कर रहा हूँ। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले सूत्रधार से। आपको मालूम होना चाहिए, जब पहाड़ों में रामलीला होती है, ड्रामा होता है या पहाड़ों नृत्य होता है, सबसे पहले एक व्यक्ति विशेष के पास एक पाठ दिया जाता है जिसे बोलते हैं सूत्रधार। उसका काम होता है पर्दा खुलते ही लोगों को बताना कि आज की लीला क्या है और कहां से शुरू होगी, कहां पे तक खत्म होगी, और आप लोगों को शांति के साथ बैठना है और साथ साथ लीला का आनंद उठाना है। तो आइएगा सबसे पहले दो लाइनें हो जाएं सूत्रधार की। सूत्रधार काफी लंबा है ये संवाद भी शुरू का, जो सूत्रधार और पब्लिक के बीच में है। वो पब्लिक को काफी कुछ बोलता है कि आप लोग शांति से बैठे हैं, लीला का आनंद उठाएं, आज के लिए ये है वो है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बस मैं दो दो लाइनें सुना रहा हूँ ताकि हम कंप्लीट आपको बता पाए शुरू से लेके लास्ट तक। आइएगा इसके बाद ही चलते हैं। सबसे पहले जब रावण तपस्या करता है ब्रह्मदेव की, तो ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं रावण की तपस्या को देखकर। एवमस्त तुम परतपकीना, एवमस्त तुम परतपकीना, जो पर मांगो सो पर दीना, जो पर मांगो सो पर दीना। तो उसके बाद ब्रह्मा जी रावण को बोलते हैं आपको जो वर चाहिए वो मांगे। रावण फिर वर मांग लेता है दशानंद जहाँ से वो हुआ। तो उसके बाद आप डायरेक्टली आगे चलते हैं, जो जो मुझे याद है वो मैं आपको बताऊंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई जनरल नहीं है। मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ आपको अब, जब राम जी को वनवास जाना पड़ता है केकई के मांगे वरदानों द्वारा। केकई राजा दशरथ से वरदान मांगती है कि भरत को राम राज मिले और राम और लक्ष्मण को वनवास मिले 14 साल का। तो राम जी फिर बहुत करुणा के साथ कुछ गुनगुनाते हैं, उसको सुनते हैं। उतारूं राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का का वेश मना लेते हैं, अपने राजस्वी कपड़े उतार लेते हैं और वनवास की ओर चलते हैं। अब वनवास में क्या होता है कि उनको सीता स्वयंवर का मौका मिलता है। बीच में काफी कुछ है तो वो पार्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन सीता स्वयंवर में होता यूं है, राम लक्ष्मण जी पधारते हैं स्वयंवर में और भगवान राम द्वारा
शिवजी का धनुष टूट जाता है, परशुराम जी प्रकट होते हैं काफी गुस्से के साथ। तो राम लक्ष्मण और परशुराम का कुछ संवाद है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, राम जी बोलते हैं, उसके बाद परशुराम भी बोलते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ सुन लेते हैं, आइए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, राम जी का यह कहना परशुराम को बहुत क्रोधित कर देता है और परशुराम जी बोलते हैं कि क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। आपको पता ही है परशुराम जी ने एक छोटी सी गलतफहमी बोल सकते हैं एक आदमी के पीछे पूरे क्षत्रिय वंश को काफी नुकसान पहुंचाया, तो वहां पर वो क्रोधित होकर बोलते हैं, उसको आप सुन लीजिए। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे ना तो धर्मात्मा, ना तो योद्धा रहे ना तो धर्मात्मा। तो ये क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मैंने पूरे क्षत्रिय वंश का खात्मा कर दिया है, ना तो कोई योद्धा रहा है क्षत्रिय वंश में, ना कोई महात्मा रहा है, ना कोई परमात्मा रहा है, मैंने सबको नष्ट कर दिया है। तो काफ़ी गुस्सा होने के बाद काफ़ी कुछ सुलझ जाता है काफ़ी देर के बाद, तो फिर उसके बाद सीता स्वयंवर होता है। तो आइएगा अब सीता स्वयंवर में, जब सब कुछ निपट जाता है, परशुराम जी जान लेते हैं ये तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, श्री राम हैं, तो वो श्री राम के पांव पड़ जाता है परशुराम, फिर वो परशुराम वहाँ से चले जाते हैं, फिर सीता स्वयंवर शुरू होता है। तो सीता जी जब माला पहनाती हैं वरमाला राम जी को, तो क्या बोलती हैं वो आप सुन लीजिए, उसके बाद जब माला पहनाते हुए सीता जी कुछ बोलती हैं तो राम जी भी कुछ बोलते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे एक साथ ही, आइएगा। फूलो माला पहनो प्रभु की दासी दासी जानकी, तो सीता जी ने बोला है, अब राम जी क्या बोलते हैं देखें। लाओ लाओ सिए प्रिय माला फूलो पात की, लाओ लाओ सिए प्रिय माला फूलो पात की, मैं भी धन धन करूं उस जगत पिता की, मैं भी धन धन करूं उस जगत पिता की, लाओ लाओ सिए प्रिय माला फूलो पात की, लाओ लाओ सिए प्रिय माला फूलो पात की, फूलो माला पहनो प्रभु की दासी दासी जानकी, फूलो माला पहनो प्रभु की। इस तरीके से यहाँ पे सीता स्वयंवर समाप्त होता है। आगे की अगर आप चाहते हैं और भी स्टोरी और भी ऐसे कुछ मधुर संगीत आप सुनना चाहें तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े अच्छे से बताऊँ, और जनरल मांग लूँ, हमारे गांव में पड़ी हुई है जनरल, जनरल मीन्स बुक जिसमें कि पूरी रामलीला लिखी हुई है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देते हो, लाइक देते हो, तो मैं कोशिश करूँगा फिर 11 वीडियो बनेंगी पूरी, यानी कि एक वीडियो में पहला दिन रामलीला जैसी होती है, तो उसमें मैं बहुत सारे आपको सुना दूंगा, तो पूरे 11 दिन लगेंगे पूरी 11 वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।